हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों मैं हूं जेम, आप लोग देख रहे हो जेम फ्री डिटेल्स। तो दोस्तों आज की वीडियो पे हम एक मल्टी सैटेलाइट सेटअप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों क्यों ना हम हमारी पसंदीदा रीजनल चैनल के साथ साथ बिल्कुल फ्री पे कोपा अमेरिका और यूरो कप की सारी मैचेस हम देख पाए। तो यही सेटअप है आज मेरी इस वीडियो के अंदर। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरी सेटअप के बारे में ही बात करेंगे। तो पीछे मेरा जो डिश लगा हुआ है, इस डिश पे ये ट्रैक है, आप देख सकते हो। दो LNB यहाँ पे लगा हुआ है, एक जिसर 30 पे और एक साइकम 56 जो 78 डिग्री पे आते हैं। तो उस दोनों सैटेलाइट को हमने एक डिश पे ट्रैक किया है। बहुत ही आसान है और आपको आपकी पसंदीदा रीजनल चैनल के साथ साथ, यानी आपकी पंजाबी चैनल, बंगाली चैनल या साउथ इंडिया की, तो उसी चैनल के साथ आप NBT और PPTV यानी ये दोनों चैनल से आपको बिल्कुल लाइव फुल HD क्वालिटी के साथ आपको मिल रही है कोपा अमेरिका और यूरो कप। तो सारी मैच आपको बिल्कुल फ्री टू एयर पर देखने को मिलेगा। इस सेटअप के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम आपको दोस्तों यहाँ पे ये जो मिडिल का जो LNB है ये 83 डिग्री ईस्ट यानी जी सर 30 पे ट्रैक है। और इसलिए ट्रैक है कि इस सैटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसीज है, जो TP की सिग्नल क्वालिटी है, कभी कभी दिन में लो हो जाते हैं। तो इसलिए हमने मिडिल पे 83 को रखा है कि तो 83 का जो चैनल है वो सभी चैनल बिल्कुल हमें ओके मिल रही है और लगभग सभी चैनल, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था उस वीडियो पे इसकी पूरी जो चैनल लिस्ट है उसके बारे में वीडियो है। आप देखना चाहते हैं तो जी सर 30 की लेटेस्ट चैनल लिस्ट आप देख सकते हैं। ओके, वो वीडियो हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन पर। तो उस चैनल के साथ साथ यानी 83 का पूरी चैनल, लगभग पूरी चैनल के साथ साथ हमें यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है ये थाइकम 56 को कवर कर रहा है, यानी 78 डिग्री सैटेलाइट के यहाँ पे ट्रैक है। तो इसके लिए हम आपको माप के भी दिखाएंगे। यहाँ से मैं इसके रूलर ले रहा हूँ। तो आप अगर सेट करना चाहें, 83 मिडिल पे है तो यानी 78 का सिग्नल इस पोजिशन से आ रही है और आपको बिल्कुल 83 के पास ही आपको मिलेगा। ओके, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट है। तो गाइस चलिए हम आपको सामने से नाप के दिखाते हैं। तो ये जो दोनों LNB है 78 और 83 का, तो इसके सामने वाला पोर्शन आपको नापना होगा सही नापने के लिए। तो यहाँ पे मैं सेमी पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से रूलर आपको पकड़ के मैं नाप के दिखा रहा हूँ। लगभग यहाँ पे 5 सेमी यहाँ पे डिस्टेंस है और ये साइड पे लगा हुआ है जो LNB, ये 5 सेमी डिस्टेंस है। ओके, तो ये आप 6 फीट डिस्क के अंदर ही आप सेट कर सकते हो। ओके, 83 और 78 मल्टी सेटअप। और इसकी मैं बात करूँ तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ा एंगल है, क्योंकि 78 का जो सिग्नल आ रही है ये साइड से आ रही है, तो इसलिए इसको एंगल ऐसे रखा गया है। तो आप 6 फीट डिस्क पे बहुत आसानी से इसको सेटअप कर सकते हो, बहुत ही आसान है इसकी सेटअप। कुछ दोस्तों की क्वेश्चन था कि ये जो डिश है दोस्तों, ये डिश पे अच्छे सिग्नल नहीं आते हैं, क्यों आते हैं और अच्छे सिग्नल क्यों नहीं आते हैं और कैसे क्या काम करने से इसको, इस जाली वाला जो नेट वाला जो डिश है इस पे अच्छी सिग्नल मिलेगी, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। और यहाँ पे जो आप डिश देख रहे हैं, इस डिश से मेरे को तो लगभग सभी फ्रीक्वेंसीज मिल रही है। लगभग सही तरीके से अगर आप सेटअप करेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी सिग्नल भी मिल जाएगी। ओके, अगर आप नए हैं डिश की दुनिया में, अगर आप डिश नए नए सेटअप कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप डिश के बारे में जानते हैं, इसकी थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन जानते हैं, तो आपको ये सेट करना आसान हो जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो पे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिएगा गाइस। मल्टी सेटअप के बाद थाइकम से हमें जो चैनल मिले हैं वो ये फॉर्चून TV देख सकते हो, सिर्फ स्पोर्ट्स की चैनल नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपको फॉर्चून TV मिलेगा जहाँ पे हॉलीवुडी बॉलीवुडी मूवी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे चलते हैं। उसके साथ और कुछ चैनल, ये चैनल के नाम का एक चैनल है, ये सब चैनल HD क्वालिटी पे चलते हैं। ओके, ये एक चैनल है जहाँ पर आपको हॉलीवुडी मूवी देखने को मिल रही है। ओके, और इसके साथ साथ हम बात करें तो आपको NBT HD आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की सभी मैचेस, PPTV HD भी आपको मिल रही है, कोपा अमेरिका की मैचेस और NBT पे आपको मिल रही है यूरो कप की सारी मैचेस। तो आप ज़रूर इस सेटअप के आनंद उठा सकते हो इस टाइम। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।